हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद। आप लोगों का स्वागत है जीएमआई इंडिया में। आज हम जानेंगे सॉफ्ट साइन और हार्ड साइन के बारे में, जो कि रशियन लैंग्वेज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं। ठीक है, और इसे रशियन में त्वर्दी ज्नाक, म्याकी ज्नाक कहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि पहले लैंग्वेज आई है, यानी कि पहले भाषा बोलना शुरू हुआ है, फिर उसके बाद ग्रामर बनाई गई है। सो ऐसा मैं कन्फर्मली आपको नहीं बता पाऊँगा कि ये त्वर्दी ज्नाक, म्याकी ज्नाक कब से शुरू हुआ और कैसे यूज़ होता है, क्योंकि इसके लिए कई जगह एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि लैंग्वेज है, एक्सेप्शंस होना ज़रूरी भी है, क्योंकि पहले भाषा आई है फिर उसके बाद आया है ग्रामर। चलिए आज हम पढ़ते हैं सॉफ्ट साइन और हार्ड साइन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सॉफ्ट साइन के बारे में। यह रशियन भाषा के दो इम्पोर्टेंट अल्फ़ाबेट्स हैं, त्वर्दी ज्नाक, म्याकी ज्नाक। ठीक है, और सॉफ्ट साइन के बारे में, जिसे रशियन में म्याकी ज्नाक कहते हैं, ठीक है, और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है फ्रंटियर। ओल्ड चर्च स्लावोनिक लैंग्वेज है, एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है जो कि रशियन से मिलती जुलती थी पहले। ठीक है, उस भाषा में भी सॉफ्ट साइन का यूज़ होता था। ये रिप्रेजेंट करता था शॉर्ट फ्रंट वोवेल को। ठीक है, फिर बाद में इसे हटा दिया गया और इसे वोवेल के साथ में मिला दिया गया, और फिर उसके बाद में जो चेंजेस हुए वो आप लोग जानते ही हैं, किस तरह से इसे रशियन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है सिलेबल और एक वर्ड के अंदर। ठीक है, और ये हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद में आता है। तो आप देखते हैं त्वर्दी ज्नाक यानी कि हार्ड साइन के बारे में। हार्ड साइन सेम सिरिलिक स्क्रिप्ट का एक लेटर है, जिसे रशियन में त्वर्दी ज्नाक कहते हैं। ठीक है, और इसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है इस हार्ड साइन को, जो कि है एर गोल्जम। ठीक है, एर गोल्जम एक बुल्गारियन अल्फ़ाबेट से आया है। ठीक है, यानी कि जो हार्ड साइन हमारे पास आया है हमारी हार्ड रशियन लैंग्वेज में, ये बुल्गारियन लैंग्वेज से आया है, बुल्गारियन अल्फ़ाबेट से आया है, और ओल्ड ईस्ट स्लाविक लैंग्वेज है उसमें इसका यूज़ होता था पहले। ठीक है, बैकियर कह लो या फिर बैक जेर कह लो, ये दो नामों से भी पुकारा जाता था इसे ओल्ड ईस्ट स्लाविक लैंग्वेज में। ठीक है, और बेसिकली ये हार्ड साइन बुल्गारियन लैंग्वेज का एक अंश है, जो कि अब रशियन लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। अब इन दोनों के यूज़ के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है और कहाँ होता है। बेसिकली इसका दोनों का यूज़ ये हमेशा आते हैं किसी सिलेबल या फिर किसी वर्ड के अंत में। ये हमेशा कॉन्सोनेंट के बाद ही आता है, त्वर्दी ज्नाक, म्याकी ज्नाक, यानी कि हार्ड साइन और सॉफ्ट साइन दोनों कॉन्सोनेंट के बाद में ही यूज़ होता है यूजुअली। रशियन लैंग्वेज में हार्ड साइन और सॉफ्ट साइन जो दोनों हैं, दोनों अल्फ़ाबेट्स, इसका खुद का कोई साउंड नहीं है, ये कॉन्सोनेंट के साथ मिलके साउंड बनाता है या फिर सिलेबल के साथ में मिलके साउंड बनाता है। हार्ड साइन जिस कॉन्सोनेंट के बाद आता है उस कॉन्सोनेंट को हार्डली पढ़ा जाता है, एंड सॉफ्ट साइन जिस भी कॉन्सोनेंट के लास्ट में यूज़ होता है, बाद में यूज़ होता है सॉफ्ट साइन, उसको सॉफ्टली पढ़ा जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सॉफ्ट साइन और हार्ड साइन क्या डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा, कुछ हिस्ट्री भी बताई मैंने, और यूज़ कहाँ होता है, क्यों होता है, वो भी बताया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये लेसन समझ में आया होगा। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।